हेलो भाई, अरुण पवार इंटरव्यू फिलहाल खड़ा हुआ है भाई अपने देश की जमीन पे, अपने देश की पावन धरती पे। और भाई देखो, मैं नई चीज लेके आया, ये देखो मेरी जेब में क्या। अगस्त तू भी अपने पॉकेट में दिखा दे क्या। भाई देखो हमारी दोनों की पॉकेट्स में क्या है। पैसा 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 बोला पैसा, बाबा की दया। भाई हमारे पीछे हो रही है जेसीबी की खुदाई। कोई बात नहीं भाई, सब सबका बंटवारा हो जाता है भाई। भाई बंटवारा होता है, मैं और अरुण चल हम दोनों भी कर ले दिया। भाई देखो ये हमारा फार्म है मेन रोड पे, ये देखो ये रहा है ना ये रहा। और यहाँ पे भाई ऐसे नहीं होता, बराबरी में बिलीव रखो, बिलीव बराबरी में। अरे वो भी आधा ये भी आधा भाई, तो फिर क्या है ना। तो भाई ये हमारी एक प्लॉट और है पूरी वहां तक। अच्छा ओके 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 भाई, इसमें वो कर रहे हैं पार्टी से, जैसे ताजा ताऊ वगैरह सबका होता है ना, इस टाइप से हमारे हिस्से में ये आएगा भैया। इसको थोड़ा सा वो बनवा रहे हैं क्रेशर, एक दुकान तो भी है चल, एक दुकान। और भाई बराबर में ठेका है, मन ना लगे तो पट्टे जैसे चले जाओ, मार जाओ मोड़ से। और यहाँ पे एक ईट क्रेशर सब चीज आ चुकी है, अब इसकी बाउंड्री वाउंड्री करवा के देखो इधर क्या चीज बनाते हैं। फिलहाल तो बाउंड्री कर देंगे, एक गेट पे चढ़वा देंगे। ये स्कीम है, मैं आपके जैसे फार्म हाउस बना लेता हूँ मैं, आप ही बनाओ, बनाओ। एक और है? और मैं इसमें किराए के लिए बाहर पे कोर्ट लगाऊंगा, स्विमिंग पूल आओ नहाने के लिए, ठीक है। ओके ओके ओके, ये क्या है आपका होटल? नहीं होटल नहीं है ये, मंदिर टाइम में दिनेश ने होटल खोला था भाई अपना। ये तो किचन, ये बात, ये जब आगे का बन जाएगा ना ये बात मुकरेगा, एक साल हो गया जब पता भी नहीं चली गई पर ना, एक दो साल इसने चलाया फिर इसको नो प्रॉफिट, लॉकडाउन लग गया जब, हाँ फिर इसको बंद करना पड़ गया। ये दारू पिलाता था लोगों को, अंदर बिठा के चिकन खिलाता था उनको, फिर इसने वो धंधा पानी बंद कर दिया क्योंकि गाँव में उधारी बहुत चलती है, लोग पैसे नहीं देते थे, उधार बहुत करते हैं यार, इसलिए दिनेश को लॉस होने लग गया। अरुण बहुत तेज गुजार मार रही है यार, खुजाइए एक बार आई चीज पे। और ये क्या है, ये क्या निकल गया कान में से, मेल निकल गया क्या, लगा लेता हूं दोबारा। बहुत सफेद है, बहुत महंगा मेल है ये तो, क्या आप इसको चाटना चाहोगे? थैंक यू, बाय बाय, पापा की दया से प्लाट मिल गई 1.5 करोड़ की। पापा की दया से 1.5 करोड़ की प्लाट फ्री में मिल गई। बाबा के मरे में 1.5 लाख रुपए लगा दिए, 1.5 करोड़ की प्लॉट ले ली, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है देख। और का? बाबा ने करी, बाबा ने करी, मैं कह रही बाबा ने हम काई ना करे, बाबा ने करी। बेटा तो पैदा करे, बेटा तेरा मैं ब्याह के लाए। हाँ खेत मिल गए 1 करोड़ के, प्लाट मिल गई, ये पियो ताजा संतरा, ताजा संतरा पियो, ताजा संतरा। मंदिरन पे जा जाके इंड्री माने के नहीं है, भोले के पांच पांच व्रत करे अम्मा ने, इंड्री में चली जाऊं, इंड्री में चली जाऊं मैं, इंड्री में भाई अब भागनवारी आम है। मिस्त्री वालों को, तो ये हमारा जिसने फार्म बनाया था, ये आपको मैंने दिखाया नहीं था क्या, ये यहाँ ये हाँ जा रहा हूँ। तो भैया देखो दिनेश का कितना तगड़ा सिस्टम है, दिनेश का यही ठेका है। भाई खड़े हो जाओ, स्टैंड अप बताइए जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया न्यू घर की, ये नया घर। तो भाई दिनेश हो रहा है, देखो सही बताऊं आपको मैं, अपने भाई से न्यारा हो रहा है, ये जो मोहित है उससे न्यारा हो रहा है, तो अपना अलग सेपरेट घर बना रहा है। हाँ जी बिल्कुल भाई, मेन रोड पे घर देख रहे हो, रोड पे, क्योंकि नाम बताते काम, मैं अपने भाई के फवारे एक्स के पास आया हूँ मैं। ये कह रहा हूँ मैं आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। हाँ। तो भैया हमने इसको अपना पड़ोसी बना लिया, पवार के ये आगे देख ट्रैक्टर आ रहा है, हॉर्न मार के देसी दोपहरी में चक्कर लेके जा रहा है। तो सुने मैं तेरा पड़ोसी रहूंगा ना, तू भी ऐसी लगवा लीजिए पवार एक्स, ऐसी लिखवाऊंगा बड़ी जो पता ही ना चलेगी, ठीक है। ये वाह, ये तो अपना ही है, वाह जय जय होटल, इतनी दूर ट्रैक्टर पे बड़ा सर के नहीं जा रहा भाई, पुल तो ना ले भाई, भर के चुटिया बांध के राखो, पुलिस वालों पकड़ ले यार, डर लगा है। पलवल में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है, टकाई भी उतार दिए, गिर कारो नहीं ले जाऊंगा मैं तो।
पलवल कर जाओगे फिर? तीन तीन का रोक के गुड गुड चलो बिल्कुल बिल्कुल भाई। तू पहली सुबह तक कहाँ गया तू? तेरे ने गर्म करा को फिर तो भाई ले जाते भाई। अब देखो मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। ये दिनेश का ये देखो नीम भीम खुद चुकी है भैया। ये ऐसे जाएगी ऐसे देख। अच्छा हाँ तो भाई ये देखो वो दादा लाई जगह थी ना अपनी, तो ये ऐसे कट जाएगा। मतलब ये दिनेश का हिस्सा हो गया इतना है, और इससे इधर इधर का ये फिर अपना हो गया ये वाला वहाँ तक। हाँ ठीक है साहब को ये दिख रहा है, तो ऐसा सिस्टम है। और ये दूसरे दादा लाइयर जो होती है ना वो ऐसी इसकी कह रहा है भर तो होगा ना इतना ऊंचा। जब भाई देखेगा ना कहाँ कर रहा हो रहा है, कहाँ चल रहा, कहाँ चल रहा कहाँ चलेगा। जब भर तो हो जाएगा ना इतना ऊंचा, जब देखियो तू ये पर बोल। सुने मेरा तो नीचा पर का, तू तो ऊंचा भर्त करवा लेगा अब यहाँ तक बराबर तक। हाँ तो देखो भाई चिनाई बढ़िया ये, पर यू लंबी बहुत है भाई ये दो, मतलब ये प्लॉट लंबी बहुत है। देखो हम तो अपने घर का है वहाँ तक हम खुद अपने छोटे कर लेते हैं यार ऐसे पता ना आपको। बहुत बहुत जोर का घर बनाएगा यहाँ मैं, बहुत जबरदस्त। और लंबा देख ले कहाँ पहुँची देख। और भाई मेन फ्रंट पे तो बनाएगा ये दुकान। कितनी दुकान बनाएगा? दो दुकान है इसमें और साइड में गैलरी। साइड में गैलरी है। हाँ। इस दुकान के पीछे मकान रहेंगे, बाकी मकान और ऊपर बनाएगा फिर बढ़िया। फिर पेड़ की कैसे करेगा भाई? आकी ये हट जाएंगे, पेड़ के हटाना पड़ेगा है ना, वही तो भाई। ये तुम्हारे में मेरी तो खुद जाएगी उरे के, पर वो जड़ तुम्हारे में पाएंगे वो, पर एक है जड़ है तो देख लेंगे वो तो पिक जाएगी। ये तो वो ले जाएगा ना इन्होंने, इन पर नंबर ना है अपनी प्लॉट वाली है, वरना ऐसा रहता है। नंबर क्यों है? नंबर है अपनी प्लॉट में, नंबर पर एक वाले इनमें वाले इन जो रोड पे है जो नजीक ये भीतर है। तो देखो भाई क्या बढ़िया काम चल रहा है। चलो आओ और चीज दिखाता हूँ मैं। आज ही मतलब काम स्टार्ट हुआ था भाई, और उसमें सुबह तो वो हुई थी इसकी जो पूजा वगैरह जैसे रहती है ना, क्योंकि हम तो भाई देखो वो करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह है ना। बट भाई यार का फर्स्ट टाइम है, मतलब बहुत मंदे टाइम के बाद ये किसी छोड़वा रखे ये कॉलम के नहीं आए। अच्छा अच्छा कितने कॉलम? 12 फुट पे होगा, हर 12 फुट पे कॉलम दबाओगे? 17 पर तक। अरे ऊपर 17 रहेगी तो वो है पीछे वाली भाई भी अच्छी दम से कराएंगे। और सही सही बता। अरे ₹30 फुट में बाउंड्री कितने की है? ₹30 फुट में। और घर जो बनाएगा वो बनाऊंगा ₹115 फुट में। प्लस्तर सही? प्लस्तर सब करके देगा वो तो कम मतलब। लिफ्ट भी लगाएगा ना मैं? लिफ्ट भी हाँ कहोगे मालिक तो लिफ्ट भी लगा देंगे। लिफ्ट भी लगेगी इसमें, उसमें सीढ़ी डाली। हाँ तो भाई कोई चल रही आजकल नई फैशन वाली, इसमें लिफ्ट भी लगाएगा ये, क्योंकि दिनेश की मम्मी के घुटनों में दिक्कत है भाई। मैंने तो कह दिया थे अगर तेने अरुण भाई की तरह ऐसा करती ना तो ये कितना आगे काट दूंगा यहाँ पे यार। दीवार टेढ़ी कर दी यार, ईंट तोड़ दो भीतर दे। आप देख ले तू यहाँ से कल का यू कर भी दे यार, जब बता दूंगा अगर एक दीवार पे यू आ गई तो। ईंट क्या रेट चल रही है? ईंट ये 5,500 है। 5,500 एक नंबर दो नंबर? ये दो नंबर है फिलहाल भाई, नीम में तो दो नंबर ही सही है अभी। हाँ दो नीम में तो दो नंबर लगा, एक लगेगा चलिए डंडा इतना ऊंचा आ जाएगा जब। अच्छा अच्छा आप अरे क्या चल रहे हैं आजा। और भाई आज मुझे दिख रहा है अपने ट्रैक्टर का यूज होता हुआ मेन, तो वरना ये बेचारा ऐसे ही खड़ा ही रहता है इसे इसमें। तो तू गड्ढो खुदवा देना। किसके लिए? गड्ढो सा जो खुदे वो जहान पे ना रही कल वो मशीन वहाँ भागी। अब खुदवाएगा वो ऐसे ही करेगा जुगाड़? नहीं 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 खुदवाऊंगा, ऐसे कहाँ तक धो के चले जाऊंगा मैं। वही तो है तो दम भी खत्म है जाएगा भाई, इसको ईंट की तराई करनी होती है मसाला वसाला, इसलिए फार्म थोड़ा सा दूर पड़ रहा है भाई अगर वहाँ से मोटर चलाए तो। ये देखो पूरा खुल ये हमारे तो पहले इसमें कीकड़ उगा रखी है बहुत, तो हम भी साथ साथ करवाएंगे इसकी बाउंड्री एक बार होए पीछे ना, लेकिन पहले ये कटवानी जरूरी है भैया। कीकड़ बढ़िया माल है, बढ़िया बिक जाता है, मतलब लकड़ी फकड़ी काम आ जाती है। ये ईंट लग रही है वहाँ से और वहाँ तो कितनी तो लंबी है यू पे यहाँ तक कर जाता है, बहुत लंबी प्लॉट है यार यू यहाँ तक जो खूटा कट रहा हूँ यहाँ तक है। वैसे खूटा हर तक है इनकी, जाएगी इनकी खूटा खूटा तो पड़ेगा हमारी। सही है भैया, हमारे दादा छोड़ गए यू ही फायदा रहे नहीं, दुनिया बेच खावे अपनी प्रॉपर्टी है। अब जैसा वो छोड़ गए तो यार हमने कहा लो गिर थी मैंने क्या ठीक है करेगा यार मैंने भरा ट्रैक्टर सगड़ो
ये जी भैया की प्लॉट है वो ऐसा कौन देगा इस तरीके से हुआ भैया आगे फ्रंट की हम लेंगे वो यहाँ की उन्हें देख ले झील वाले ने वो उन्हें कितना कसाना है जब ये भरेंगे जब पता पड़ जाएगी और वो दूसरे दादा की ऐसा स्कीम रहती है भाई। पर भाई आप एक मुझे एक बात बताओ आप मोहित से न्यारा क्यों हो रहे हो आप अलग घर क्यों बना रहे हो भाई अलग कुछ नहीं वो हाँ मैं यहाँ अलग अलग रहना नहीं पसंद नहीं, नहीं रहने की कोई बात नहीं है वो सिस्टम बढ़िया उसका वहाँ रहने का और वो आई लव यू करता है वो आई लव यू करता है पर भैंसन का तो आई लव यू होता नहीं है ना दूध करना ना कुछ करना ना वो तो खाना पीना और भैंस भी है बात है ठीक है मेरे को तो दूध पीना मेरे को तो भैंस बंधवाना आया बस ये लाइक करो ये कमेंट करो ठीक है भाई दिनेश भाई के नए घर के लिए लाइक कमेंट करें और भाई कोई भाई अगर नक्शा बनाना जानता हो तो भाई देखो पैसे वैसे तो है नहीं दिनेश भाई थोड़े से वैसे ही हैं बहुत आदमी अभी तो वैसे अपना दिमाग चला रहे हैं जिम्मेदारी थे हरे पैसा फसल ना जुटेगा ना अभी भारी से टाइम चल रहा हूँ जब पैसा आएगा ना फिर सारा यही में लग जाएगा तो भाई इसका नक्शा थोड़ा अच्छा सा कोई भाई बताना इसका तो फिलहाल नहीं इसने ऐसे ही पकवा देगा ये दो दुकान आगे गैलरी पीछे दो कमरे उसमें लोबी भोबी है आज मैं जो बेचने के जा रहा था मंडी में वो मंडी वाले ने कहती भाई मेरे पैंक नहीं खुल रहा मैं पैसा कहाँ देता तू कल आ जियो अच्छा, ऐसे अच्छा। मैं जो खड़े थे मेरे वो 30-35 हज़ार के उन्होंने बेचा तो मैं तो भाई देखो ठीक है दिनेश भाई आप करो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए काम की स्टार्ट मैं तो बहुत दिन बाद आके देखूंगा इसको हाँ इसको अभी तो पहले ही यहाँ खींच रहे मैं अब 10 दिन बाद आऊंगा कहीं बहुत बाहर जा रहा हूँ विदेश चलो तो 10 दिन बाद आऊंगा तब मैं आपको मुझे ज्यादा काम दिखना चाहिए बहुत खींचवा दिया आपने ये अभी तो ये 3 दिन तो अभी तो ये मोमेंट टाइम लगाएंगे गोलअप काटेंगे बैठ के बड़ी बड़ी वो खड़े करेंगे ना यार हाँ ठीक है तो भाई मेरी तो अभी कल इंटरनेशनल ट्रिप है कल मैं उड़ जाऊंगा बहुत दूर वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा कि कहाँ जा रहा हूँ बट फर्स्ट टाइम है भाई दुबई ये हट जाएंगे पर हम जिस भी तीन उपरवा देंगे साफ करके इसको प्लान करके पर ये हमें ट्रैक्टर घूम जाएगा सकरे में आराम से ट्रैक्टर वाले आए अब पैक करो चक्कर चक्कर खेलेंगे ऐसे इसे भर देंगे ये हमारे साहब बहुत हार्ड वर्किंग है ये काट रही है सुबह कल से ही दुकान की कल से ही काटने लग रही है भाई इन कीकड़ों को आधे बाटे पे ताई क्या धाड़ी पे अच्छा लकड़ी हमारी वहाँ गिर कर रही है बाहर सही है वहाँ काम आए करेगी फार्म में चूल्हे पे अब वही तो जा रही है ये और ये लकड़ी बहुत अच्छी रहती है जलाने बलाने के लिए बहुत अच्छी काम में आती है लकड़ी है देखो कितनी इस उम्र में हार्ड वर्किंग लेडीज यार कैसे क्या बढ़िया है यार लोग चलो मैं क्या बोलूं ये तो तेरी सी फार्म की दीवार किसी सी होगी ये लंबी तो पल्ली दीवार ना बनाई कोने पे वही सेम चलो भाई जब ये अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा मेन तो जब इसकी बाउंड्री हो जाएगी और भर्त वगैरह हो जाता ना प्लॉट असलियत में तब निकल के काम मिलेगा कम्प्लीट हाँ तब मेन में हम भी छुट्टी करेंगे की अपनी फसल उठाएंगे जल्दी सी इतना पैसा लिया मैं जल्दी सी हम बैठ जाएंगे ये करते रहेंगे तू अपने लग रही हो तो भाई बाकी लगने कहा इनके पास जब हो जाएगा बाउंड्री तब आपको दिखेगी कैसी प्लॉट वो सब सिस्टम तब दिखाएंगे हम आपको फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।